एक ऐसा दानव, एक ऐसा मॉन्स्टर जिस बंदे ने मेरे माइनक्राफ्ट के हिमलैंड्स वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाई हुई थी, उस बंदे ने लिटरली मेरी रातों की नींद उड़ाई हुई थी लगभग लगभग दो महीने तक, जब तक वो बंदा मेरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था। एंड फाइनली इन द एंड मैंने और मेरी टीम ने मिलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए एक प्रिजन के अंदर कैप्चर कर दिया, जहां पर अब वो चैन की सांस लेकर सो रहा होगा, या तो फिर वहां से बाहर निकलकर हम लोगों को कैसे वो मार सकता है उसकी प्लानिंग कर रहा होगा। बट वो सारी बातें इस बात की हमारी, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को पता है कि होगालाला एक्चुअली कौन है? क्या तुम जानते हो कि होगालाला के मॉम डैड कौन है, उसका ओरिजिन क्या है, वो पैदा कहां पे हुआ, एंड उसके पास इतनी ज्यादा जो वो ताकतें हैं वो कैसे आई? देखो तुम लोगों का नहीं पता, बट मैं ये चीज जरूर जानना चाहता हूँ। इसीलिए कैसे आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो को, जिसका टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ होगालाला, हु इज होगालाला, स्मार्टी पाई वर्सेस होगालाला। अब देखो भाई, एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस सबसे पहले कर दिया यहाँ पर ऑलरेडी, कि भाई थंबनेल में होगालाला की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल एल आता है। एंड अगर होगालाला बेचारा उस प्रिजन के अंदर से देख रहा होगा तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे गेमिंग गॉसिप भाई साहब के ऊपर। पर क्या छोड़ो, आज हम लोग इस चीज को यहाँ पे देखने वाले। एंड गाइस मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक हैशटैग दिख रहा होगा, तुम लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है होगालाला से रिलेटेड, कि वो एक्चुअली कौन है, उसकी स्टोरी से रिलेटेड। एंड तुम लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर तुम लोगों ने विजर्ड के बारे में कोई स्टोरी बनाई है कि विजर्ड एक्चुअली कौन था, एंड मैं उसके ऊपर रिएक्शन देने वाला हूँ। एंड मेरे साथ साथ बाकी मेरी बाकी ऑडियंस भी देखेगी, हम लोग भी जानना चाहते हैं भाई तुम लोगों के दिमाग में क्या चलता है, एंड तुम लोग कितने क्रिएटिव बन सकते हो, एंड तुम लोग अलग अलग वीडियोस बनाना है इसके ऊपर, एंड मैं उसके ऊपर रिएक्शन देने वाला हूं। कोई एक बंदा इसको जीतने वाला है, एंड जो बंदा जीतेगा इस कंपटीशन को उसको मिलने वाला है कुछ भी नहीं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे फीचर हो जाएगी, तो उसको अपने आप एक छोटा मोटा यू नो शॉर्ट मिल जाएगा। सो आई गेस गाइस हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं रियल स्टोरी ऑफ होगालाला के लिए, लेट्स गो बॉयज। होगालाला जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है, ये माइनक्राफ्ट का इतना खतरनाक क्रिएचर है। वेट वेट, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। भाई साहब ने अभी यहाँ पर बोला कि वन ऑफ द खतरनाक मॉब्स में से एक है, वो गलत बात है भाई। यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा वो ये होगा कि माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता भाई दुनिया में, याद रखना। क्रिएचर है कि ये जिस भी प्लेयर को मारता है उसकी वहीं पर कब्र बन जाती है। होगालाला के पास पावर्स हैं जो कि शायद ही माइनक्राफ्ट के किसी और मॉब के पास हो, शायद नहीं भाई पक्का किसी के पास नहीं। लेकिन होगालाला है कौन, वो माइनक्राफ्ट में कैसे आया? ओ भाई सिक एनिमेशन ब्रो, आई मीन कूल एनिमेशन, अगर ये इसने खुद बनाई है ना गेमिंग गॉसिप भाई ने, और भाई उसे किसने बनाया, ये सब मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। नाइस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेंगे ब्रो, बिल्कुल करेंगे, लाइक भी करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, लेट्स गो। तो ये काफी टाइम पहले की बात है कि माइनक्राफ्ट में एक विलेज हुआ करता था जिसमें सब विलेजर हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन उस विलेज के बाहर एक विच का घर था, वो विच भी पहले उस विलेज में रहा करती थी। ओ देखो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलना स्टार्ट हो चुका है, एक विलेज था, विलेज के बाहर विच का घर था, अब वो विच पक्का यहाँ पे कोई चुड़ैल होगी या जादूगरनी होगी या फिर गंदा काम करती होगी, एंड देन विलेजर्स को मारते हैं, एंड देन वो गुस्से में उनके ऊपर होगालाला को पैदा करवा के डाल देती है। मेरे को लग रहा है कि यही सही होगा, देखते हैं। वो ब्लैक मैजिक का यूज किया करती थी जिसकी वजह से उन सब विलेज वालों ने क्यूट है यार विलेज वाले से निकाल दिया, और फिर उसके बाद वो विच उस विलेज के बाहर रहने लगी। ओके। उन सब विलेजर्स ने उसे उसके विलेज से निकाला था, इसलिए उसको अब उन विलेजर्स से नफरत हो गई थी और वो इन विलेजर्स से बदला लेना चाहती थी। मैंने बोला था। इनसे बदला लेने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक स्पेल तैयार कर रही थी, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी, उसको अपने साथ किसी और की जरूरत थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज कर सके। ओके अब देखो बंदे ने बोला है कि जब इसको गांव से बाहर निकाला उसको नफरत होगी विलेजर्स से, अभी एक स्पेल तैयार करी जिसके लिए उसको एक बंदे की जरूरत है, अभी किस बंदे को लेके आ सकती है होगालाला बनाने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि शायद से क्योंकि होगालाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हो सकता है जो अभी इन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को एक आयरन गोलम दिखाया था ना वीडियो में स्टार्टिंग में, आई गेस आयरन गोलम को पकड़ के लाएगी देन उसको कन्वर्ट करेगी, या तो फिर आई डोंट नो मैन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे ने स्टोरी बनाई हुई मैन, ऐसा कोई भी मेरे को लग रहा है मजा आएगा इसके बाद करता था। नहीं रुके से क्या बोला मेरे को सुनाई नहीं दिया एक्चुअली, फिर से सुनना चाहूंगा। ज्यादा पावरफुल हो और इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज कर सके, ऐसा कोई भी अभी तक माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन वो बीच अपने ब्लैक मैजिक से ऐसा कुछ बना सकती थी। ओके। और वो ब्लैक मैजिक से इस तरह का कुछ बनाने लगी। उस विलेज में एक विलेजर भी रहा करता था। ओके। जो कि अपने काम से काम रखता था, वो फार्मिंग करता था और हंसी खुशी अपने विलेज में रहता था।
जस्ट वेट अ सेकंड यार, सॉरी यार, मैं बहुत अजीब हंसता हूँ यार। भाई ये क्या कर रहा है ये बच्चा, ये रामदेव का बच्चा है क्या, मुझे सच बताना जरा। है पूरा ऐसा भाई खड़ा था, पूरा झुक गया ऐसे नीचे के लिए और फिर सीधा खड़ा हो जाएगा अभी देखना यहाँ पे 100%। लेकिन एक दिन विलेजर के साथ कुछ ऐसा हुआ, okay? उस विलेजर की दुनिया ही बदल गई। वो दिन उस विलेजर का आखिरी अच्छा दिन था। ओके तो कुछ यूं कि वो विलेजर काम से विलेज के बाहर गया हुआ था और फिर वापस अपने घर आ रहा था, और आते आते काफी रात हो गई थी। और दूसरी तरफ वो विच जिसने ब्लैक मैजिक की हेल्प से एक ऐसा स्पेल तैयार किया था जिससे वो माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल क्रिएचर बना सकती थी, जो कि उसके साथ मिलकर विलेजर से बदला ले और फिर इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज करे। तो इस स्पेल को यूज करने के लिए वो बीच एक विलेजर को ढूंढ रही थी। आई गॉट इट। इस बंदे के अकॉर्डिंग जब इसने उस स्पेल का बनाया, उसने वो स्पेल बेसिकली पोशन बनाया, तो वो शायद से किसी विलेजर को चाहती थी जिसके ऊपर वो टेस्ट कर सके। पता नहीं मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। एंड अगर ऐसा ही है ना, तो दिस मीन्स इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमारा होगा लाला है, उसकी जो मदर है बेसिकली, जिसने उसको पैदा किया है, वो है हमारी विच माइनक्राफ्ट की। ओके, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ब्रो। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज मेरे सामने तो भाई साहब होगा लाला पैदा हुआ था भाई, लावा के अंदर खड़ा था भाई, वहां पे पुतले की तरह जल रहा था एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है, वही पावरफुल क्रिएचर बना सके। अगर तुम लोगों को मजा आ रहा है ना इस वीडियो में, तो भाई लाइक जरूर करना। वीडियो का लाइक एम गाइस कंप्लीट करना 2.5 लाख लाइक्स का। तो ढूंढते ढूंढते पड़ी उसी विलेजर पर, ठीक है, जो कि अपने घर वापस ही जा रहा था। ओके, रात को पकड़ लिया इसने उसको, बिल्कुल अकेला था। और उस विच के पास अच्छा मौका था कि वो उसे अपने साथ ले जाए, okay. और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करे, और उस विच ने ऐसा ही किया। एग्जैक्टली, उसने मौका देखते ही उस विलेजर को बेहोश किया और फिर उस विलेजर को अपने साथ ले गई। पहले तो उसने एक मैजिकल स्पेल की हेल्प से उस विलेजर को उसका पास भुला दिया। सीरियसली, मैजिकल स्पेल से, जिसमें से बोला कि पोशन की हेल्प से उसने उसका जो पास्ट है वो भुलवा दिया उससे, जिसमें पोशन ऑफ पीस का इस्तेमाल किया जो हम लोगों ने होगा लाला के कॉलोन पे गया था कि वो पास्ट का। भाई हमारी स्टोरी रिलेट हो रही है भाई यहाँ पे, अच्छा है ये बंदा सके और सिर्फ उस विच की बात माने। और जब वो विलेजर अपना पास्ट भूल गया, तो अब बारी थी वो मैजिकल स्पेल ट्राई करने की जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता था। और फाइनली उस विच ने वो स्पेल उस विलेजर पर फेंक दिया और फिर आसमान से लाइटनिंग गिरी और वो विलेजर बिल्कुल ही चेंज हो गया। ओके, उसकी आंखों का कलर रेड हो गया और उसमें बहुत सी पावर्स आ चुकी थी। उस विच ने उस विलेजर को उसका नेम दिया जो के था होगा लाला। ओ माय गॉड भाई, मतलब ये स्टोरी ठीक है यार, अच्छी लगी मेरे को वाली स्टोरी, कि उसके जो ओरिजिन है वो एक्चुअली किस तरीके से हुआ। बदले की आग जो उस हमारी उस विच के अंदर थी, उस वजह से उसने उस होगा लाला के को पैदा करवा दिया बेसिकली। बट इसमें मेरे को लगता है बंदा थोड़ा बहुत और मिर्च मसाला डाल सकता था मेरे हिसाब से, लाइक कि जो हमारी विच है, अगर मैं होता, देखो मैं किस टाइप से स्टोरी सोचता, कि लाइक हमारी जो विच है उसको एक ऐसा स्पेल तैयार करना था जिससे वो इन लोगों से बदला ले सकती थी, बट उसके लिए उसके पास एक नॉलेज कम थी, तो वो क्या कर सकती थी कि लाइक पहाड़ों पे जाके, हिमालयस पे जाके थोड़ा एडवेंचर करके एक ऐसे साधु बाबा को ढूंढती भाई साहब, जो उसको ना एक्चुअली कुछ राज की बात बताता है, एंड उस चीज का इस्तेमाल करके एक पोशन बना पाती जिससे होगा लाला को बनाती, मतलब थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर सकता था। बट दिस वाज आल्सो गुड मैन, दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। ओके, उसकी पावर्स पहले से ज्यादा होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो विच के कंट्रोल से भी बाहर होता जा रहा था। ओ भाई, यहां पे इस कहानी ने एकदम ऐसा खतरनाक वाला मोड़ ले लिया, बिकॉज जो उसकी मदर है उसी के कंट्रोल से बाहर हो गया। दिस मीन्स, हाँ दैट्स व्हाई, अच्छा मैं समझ चुका, इस बंदे ने इस स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करी, बिकॉज हमारी वीडियोस में कभी भी विच का जिक्र हुआ भी नहीं आज तक, तो ये दिखाना चाहता है कि पहले वो विच के कंट्रोल में रहता था, बाद में विच से छूट कर वो एकदम ऐसे खुले सांड की तरह घूमने लग गया। आई गॉट इट, इतनी पावर्स की वजह से वो विच भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो उस विच के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। तो उस विच ने सोचा कि शायद उसने कोई बहुत ही गलत चीज बना दी है और अब वो इसे खत्म करना चाहती थी। ऑफ कोर्स, विच बदसूरत, तूने होगा लाला को हमारे वर्ल्ड में छोड़ दिया यार, बिल्कुल शर्म नहीं है इधर को नेदर में ले गई और वहाँ जाकर उसने उस होगा लाला को नेदर के लावा में फेंक दिया और वो विच फिर उस नेदर से चली गई। उस विच को लग रहा था कि होगा लाला को लावा में फेंक देने से अब वो मर चुका है। बेवकूफ विच थी यार भाई, फायर रेस्टर लेके घूमता ये बंदा, कभी जलता नहीं है कभी मरता नहीं है, ना फॉल डैमेज इस बंदे को, 50 ब्लॉक की हाइट की जंप लेता है बंदा। और जो मेन चीज है, बंदा इमोर्टल है, इमोर्टल का मतलब होता है जो कभी मरता नहीं है, वो होगा लाला है, जैसा हम लोगों को प्रिजन में कैप्चर करना पड़ेगा था। और वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल गलत थी।
वो होगा लाला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस लावा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने लावा से और ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर ली। वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया और लावा से इतनी ज्यादा पावर लेने की वजह से उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी रेड थी। ब्लैक बॉडी और रेड आईज की वजह से वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली क्रिएचर लगता है। और अब होगा लाला में बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। नहीं भाई, बात तो माननी पड़ेगी गाइस, तुम लोग मुझे बताओ एक बार, हैं अभी उस कमेंट सेक्शन में, जब होगा लाला तुम लोग के सामने आता डर लगता है ना, सोचो जब मैं भाग रहा होता उस बंदे से मुझे कितना डर लग रहा होता भाई, एक्चुअली पूरी बॉडी ना कांप जाती है, डर लगता है भाई एक्चुअली जब होगा लाला मुंह के सामने आता था हमारे। बट अब तो उसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, बट हु नोस फ्यूचर में क्या पता वापस आ जाए वो ब्रो। तो वो ओवरवर्ल्ड में आ गया, उसने आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अबे तो हीरो ब्रेन है, उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद वो यहीं पर नहीं रुका, वो प्लेयर्स के वर्ल्ड में उनको हॉन्ट करने लगा था। और गाइस आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि होगा लाला जिस वर्ल्ड में सबसे पहले हॉन्ट करने के लिए आया वो और किसी का नहीं बल्कि स्मार्टी पाए का था। काफी अच्छे तरीके से बंदे ने रिलेट किया स्टोरी को हमारी स्टोरी के साथ। नाइस यार, मार्टी पाए की हिमलैंड्स वाली सीरीज में सबसे पहले आया ताकि उन लोगों को हॉन्ट कर सके, और सबसे पहले हमारी सीरीज में आया और वहीं पे उसका दी एंड भी हो गया भाई, अब किसी और की सीरीज में जाएगा नहीं वो बंदा, जिसे आप स्मार्टी पाए की वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। ये था मैंने बोला तुम लोगों से पहले कि लावा के अंदर पैदा हुआ था, ये देखो बदसूरत यहाँ पे पैदा हुआ था बंदा। इस सर्वर पे कौन कौन बंदे अभी? और ये देखो गाइस, सबसे ज्यादा खतरनाक वाला मोमेंट ये था कि होगा लाला सामने दिख रहा है, बट जब मैंने टैब दबाया तो गाइस सर्वर इसको रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है। मैं, एजियो और ड्रीम बॉय, सिर्फ हम तीन बंदे उस टाइम पे सर्वर पे अवेलेबल थे, ये था नहीं अवेलेबल, बट स्टिल मुझे दिख रहा था सामने, कितनी डर वाली बात है। वेस, ये क्या मजाक है, एक सेकंड रुको। तो इस वीडियो में होगा लाला को क्लियरली देखा जा सकता है और ये होगा लाला का फर्स्ट इनकाउंटर था। ये होगा लाला अगर किसी प्लेयर को उसके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मार दे तो वो प्लेयर उस वर्ल्ड में दोबारा स्पॉन नहीं हो सकता। ये चीज तो गाइस हमारे साथ हुई थी यार, मतलब जब तक होगा लाला हमारे वर्ल्ड में नहीं आया था तब तक क्या था कि हम लोग अपने वर्ल्ड में मरते थे तो फिर यू नो वहीं कहीं पैदा हो जाएंगे, बट होगा लाला के आते ही सबसे पहले फलाना जी मरता है मेरे हाथों से, मुझे पता नहीं था कि वो कहीं और स्पॉन हो जाएगा एंड वो एक्चुअली कहीं और स्पॉन हो गया, जो कि था हमारा डार्क हिमलैंड्स। मतलब तुम लोग समझ रहे हो यार कितनी बड़ी बात है ये, मतलब कि बंदा मतलब मर रहा है वर्ल्ड के अंदर एंड कभी स्पॉन ही नहीं पाएगा बैक उसी वर्ल्ड के अंदर। स्टिल जो हमारा सीजन 4 चल रहा है अभी भी हम लोगों को पता नहीं, कोई मरा नहीं अभी तक, इसीलिए पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कहां पे पैदा होने वाले इस बारी। जैसे कोई मरेगा हम लोगों को लग जाएगा पता कि हम लोग वापस से हिमलैंड में स्पॉन होंगे, डार्क हिमलैंड में स्पॉन होंगे या फिर भैंस की कहीं और ही स्पॉन हो जाएंगे भाई, ये है मेन चीज। तो स्मार्टी पाए के वर्ल्ड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्मार्टी पाए अपने तीन दोस्तों फलाना जी, ड्रीम बॉय और एजियो के साथ अपने हिमलैंड्स के वर्ल्ड में खेला करते थे। जब ये होगा लाला उस वर्ल्ड में आया तो उसने स्मार्टी पाए के दो दोस्तों फलाना जी और एजियो को मार दिया। वो दोनों थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा, एजियो को उसने मारा था होगा लाला ने लावा के बीच फेंक के, बट फलाना जी को तो मैं नहीं मारा था यार, बेचारा फलाना जी यार इस वर्ल्ड में दोबारा, मेरा असिस्टेंट है बहुत अच्छा आदमी है यार। अब ये होगा लाला स्मार्टी पाए के पीछे भी पड़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये होगा लाला स्मार्टी पाए जैसे प्रो प्लेयर को मार पाएगा या नहीं। 11 फरवरी 2022 में वही सोचो कि बंदा बोल रहा है कि होगा लाला स्मार्टी पाए के पीछे पड़ा हुआ है, बट अभी पीछे पड़ा हुआ नहीं है भाई, ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पर इसका अस्थि विसर्जन कर चुका हूँ भाई। टू बी कंटिन्यूड, ओ माय गॉड, यहाँ से आगे भी आएगी और स्टोरी। तो गाइस ये थी स्टोरी ऑफ होगा लाला। गाइस होगा लाला का एक और भाई भी है, अगर आप लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि होगा लाला को किस तरह हराया जा सकता है तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा भाई, मैं इन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना दूंगा। मेरे को जानना है होगा लाला को कैसे हराया जा सकता है, ऑलरेडी मैं हरा चुका हूँ बट मैं यहाँ भी देखना चाहता हूँ यार। गाइस तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इनके चैनल पे और कोई ऐसी वीडियो है जो मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना भाई, यार लिंक भी दे सकते हो तुम लोग एंड रिएक्शन देंगे भाई, बहुत मजा आएगा। ये वीडियो कैसी लगी भाई? मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इस बंदे की वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एंड तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, एंड जो मैंने बिहाइंड द सीन तुम लोगों को बताया क्या तुम लोगों को
पता था वो कि नहीं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगेन गाइस मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के दोनों जो हैशटैग्स है हमारे इनका इस्तेमाल जरूर करना अगर तुम लोग इस टाइप की वीडियोस बना रहे हो ताकि मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों के पास हैशटैग डाल देना। दैट्स इट। इस हैशटैग को मैं जब भी क्लिक करूंगा तो उस टाइप की सारी वीडियोस मेरे सामने इंस्टेंटली आ जाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग उस पर रिएक्शन दे सके। एंड जो बंदा जीतेगा ऑफ कोर्स उसकी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे फीचर होगी व्हिच इज अ गुड थिंग मैन। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं आप लोगों से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।